वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही यमी रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी को देखने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखें, साथ ही मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें रेड कलर का बटन दबा के, और आगे भी शेयर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मेरे मिलते रहें। आइए हम देखते हैं हमें शाही टुकड़ों के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। टुकड़े बनाने के लिए हमने 10 ब्रेड के स्लाइसेस कर लिए हैं, आप किसी तरह का भी शेप दे सकते हैं। 1 कप चीनी ली है हमने, या 2 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, और 2 ग्लास हम दूध लेंगे रबड़ी बनाने के लिए, और यहाँ कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे हम। चलिए हम सबसे पहले दूध चढ़ा देते हैं, यहाँ पेन हमने चढ़ा दिया है और हम गैस ऑन कर देंगे। यहाँ हम 2 ग्लास दूध रखेंगे, अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। बॉईल आ गया है, इसमें हमने 1 पिंच इलायची पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम कुक होने देंगे, जब तक एक तरफ हम ब्रेड फ्राई करना शुरू कर देते हैं। गरम हो गया है, आप चाहें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, घी लेना चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। यह हमारा घी गरम हो गया है, अब हम एक एक करके पीसेस डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अच्छा डार्क कलर होने तक हम फ्राई करते जाएंगे। हमारी ब्रेड्स फ्राई हो गई हैं हमारी, अब हम चाशनी तैयार करेंगे। डाल दिए हमने, अब हम 1 कप चीनी लेंगे और थोड़ा सा आधा ग्लास पानी ले लिया है हमने, हम चाशनी तैयार करेंगे। अच्छे से बॉईल आ गया है, हमारा रबड़ी भी रेडी हो गई है, हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से कुक करके गैस ऑफ कर देंगे हम। दूध हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे साथ में इस मिल्क पाउडर के, दूध में जैसे ही गाढ़ापन आ जाएगा हम बंद कर देंगे गैस को, गैस ऑफ कर देंगे। हमारी रबड़ी तैयार है, अब ये ठंडी होने के बाद और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, गैस ऑफ कर देंगे, और अब हम अपनी चाशनी चेक करेंगे। चाशनी भी तैयार हो गई है, हम गैस ऑफ कर देंगे, एक इसमें ब्रेड डालना शुरू कर देंगे, और एक एक अच्छे से डालते हुए डिप करते हुए अच्छे से दोनों तरफ से हम निकालते जाएंगे। और डाल देंगे हम इसमें, और अच्छे से डिप करते हुए हम निकालते जाएंगे बाहर। तो हमने चाशनी से बाहर निकाल लिया है, और हमने जो रबड़ी बनाई थी दूध की, अब हम इसमें ये डालेंगे, हमने अच्छे से इसमें मिला दी है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे जो हमने काट के रखे थे, हम ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से गार्निश कर दिया है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें डाल सकते हैं और इसी तरह गार्निश कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें रेड कलर का बटन दबा के, और शेयर भी करें, और साथ ही आप बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के आपको अपडेट्स मेरे मिलते रहें।